बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल हीना हेल्थ

तो फ्रेंड आप लोग लाखों रुपए खर्च करके भी आईवीएफ करवा लो लेकिन आपको प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं होगी ऐसे हार्मोन्स महिलाओं की बॉडी में काफी ज्यादा महत्व देते हैं तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस है ये आपको कैसे पता चलेगा इसका क्या सोल्यूशन है क्या आप ऐसी होम रेमेडी फॉलो करके अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं और इजीली अपने घर बैठे ही कंसीव कर सकते हैं मैंने बहुत सी लेडीज को देखा है लोगों ने चार चार पाँच पाँच आई तक करवा लिए है लेकिन क्या होता है फ्रेंड हमारी बॉडी में अगर हार्मोनस ही इम्बेलेंस रहेंगे बच्चा डॉक्टर ने बाहर बना के डाल दिया आपके यूट्रस में लेकिन आपका यूट्रस उसको बाहर निकाल के फेंक देगा क्योंकि अंदर हारमोन इम्बेलेंस है डॉक्टर्स क्या करते हैं बाहर एम्ब्रिय बना के आपके यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं लेकिन आपके अंदर अगर हारमोनस ही डिसबैलेंस है तो उस बच्चे को कौन पकड़ के रखेगा जो आपका बच्चा होता है उसको हार्मोन्स का पूरा सपोर्ट चाहिए होता है कंसीव करने से पहले भी और कंसीव करने के बाद भी आपने देखा होगा बहुत सी महिलाओं के अंदर हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव तो होती है लेकिन वो मिस हो जाती है किसी की तीन महीने में होती है किसी के एक महीने में ही हो जाती है क्योंकि हार्मोन्स अंदर प्रॉपरली काम नहीं कर रहे इसलिए सबसे पहले आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करिए जितनी भी महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगी अपने हार्मोन्स के ऊपर काम कीजिए ना कि आई और आई के ले जाइए क्योंकि इस ट्रीटमेंट में भी आपको सफलता तभी ही मिलेगी जब आपके हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे तो चलिए आज का ये नॉलेजेबल वीडियो शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें सबसे पहले हम एक्सटर्नल सिम्टम्स की बात करते हैं जो ऊपरी तौर पे आपकी बॉडी आपको ये इंडिकेशन देती है कि आपके अंदर हार्मोन्स काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं तो सबसे पहले जो सिम्टम है वो है स्किन इश्यूज महिलाओं में आपने देखा होगा पिंपल्स होना एक्ने का प्रॉब्लम होना स्किन डार्क होना ये सारी चीजें स्किन इश्यूज में आती है और हार्मोन इम्बेलेंस होने की वजह से स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है पिंपल्स आना एक्ने आना तो कहीं ना कहीं आपके भी हार्मोन्स डिस्टर्ब है जिसका आपको चेकअप करवाने की जरूरत है दूसरा सिम्टम है रिड्यूस सेक्शुअल ड्राइव यानी कि रिलेशनशिप रखने की इच्छा नहीं पार्टनर के साथ में क्योंकि बॉडी में हार्मोन काफी ज्यादा लो हो जाता है जिस कारण से रिलेशनशिप रखने की भी इच्छा नहीं होती है सिम्टम है है हेयर हेयर फॉल फॉल भी काफी ज्यादा होता है। आपने खुद कमेंट सेक्शन में देखा होगा काफी लेडीज ये कमेंट करती है कि हेयर फॉल काफी ज्यादा होता है कितने भी ज्यादा अच्छे अच्छे शैंपू या ऑयल यूज कर लो लेकिन ये हेयर फॉल रुकता ही नहीं है वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में काफी ज्यादा हार्मोन्स डिस्टर्ब है चौथा जो सिम्टम है वो है फेशियल हेयर ग्रोथ आपने देखा होगा महिलाओं को इतने ज़्यादा चेहरे पे चिन्ह पे या नाभि के ऊपर इतने ज़्यादा हेयर्स आते हैं कि वो कभी कभी एम्बेरस भी हो जाती है वो इसलिए क्योंकि बॉडी में टेस्टेस्ट्रॉन हार्मोन बढ़ जाता है ये टेस्टेस्ट्रॉन हार्मोन पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है और महिलाओं में कम मात्रा में होता है लेकिन जिन महिलाओं में टेस्टेस्ट्रॉन हार्मोन बढ़ जाता है इसलिए उनके बॉडी पे चेहरे पे हाथों पे पैरों काफ़ी ज़्यादा हेयर्स आ जाते हैं जिस तरीके से मेल्स को आते हैं फिफ्थ सिम्टम है वेट गेन होना यानी आपका वेट काफी ज्यादा गेन हो जाएगा आपको आपके आस पड़ोस वाले घर वाले भी बोलेंगे अरे इतना वेट कैसे बढ़ गया इवन बहुत सी लेडीज को तो ये भी पूछते हैं कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है तो वेट काफी ज्यादा गेन हो जाता है फ्रेंड आपको पता भी नहीं चलता इतना रैपिडली ये वेट इंक्रीज होता है तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं एक्सटर्नली यानी आपकी बॉडी आपको इंडिकेशन देती है कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके अंदर हार्मोन्स डिस्टर्ब है जिसका आपको चेकअप करवाने की जरूरत है बहुत से लोगों को पीरियड भी रेगुलर हो जाते हैं फ्रेंड ये भी आपको इंडिकेशन देते हैं कि आपके अंदर हार्मोन्स डिस्टर्ब है अब फ्रेंड हम इंटरनल सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि इंटरनल आपको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो डॉक्टर्स पहचान के आपको ये बताते हैं कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है सबसे पहली है कि ईटी अच्छे से नहीं बनती यानी गर्भाशय की परत अच्छे से नहीं बनती है जिस वजह से पीरियड का जो फ्लो है वो काफी ज्यादा लो हो जाता है अंडे नहीं बनते डॉक्टर आपको बोलते होंगे कि एग्स आपके नहीं बन रहे या बन रहे हैं तो वो रप्चर नहीं हो रहे उसका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा है अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है ये इसलिए क्योंकि अंदर हार्मोन्स अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं हारमोन्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है तीसरा सिम्टम है पीएमएस के सिम्टम दिखना आपने बहुत सी लेडीज़ को सुना होगा ये बोलते हुए कि पीरियड आने से पहले हमें प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम दिखते हैं लेकिन पीरियड आ जाता है प्रेगनेंसी नहीं रोकती वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी आपको पहले से इंडिकेशन दे रही है कि आपका पीरियड आने वाला है ये पीएमएस के सिम्टम होते हैं जो हु प्रेगनेंसी के सिम्टम से मैच करते हैं ये सिम्टम तभी ही होते हैं आपको जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं फोर्थ जो सिम्टम है वो है पेनफुल पीरियड महिलाओं में काफ़ी ज्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं ये भी हार्मोन इम्बेलेंस की निशानी है इरेगुलर पीरियड होना किसी किसी महिलाओं को एक महीने में दो बार पीरियड हो जाते हैं किसी महिला को दो महीने पे एक बार पीरियड आते हैं किसी किसी को पीरियड आते हैं तो स्टॉप ही नहीं होते मेडिसिन लेके स्टॉप करनी पड़ती है ये सारे पीरियड हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए और अपना चेकअप करवाना चाहिए सिक्स्थ जो सिम्टम है वो है मूड स्विंग होना काफ़ी ज़्यादा आपका मूड चेंज होता है आपको कभी अच्छा लगता है तो कभी बुरा लगता है किसी भी चीज़ का आपको बुरा बहुत जल्दी लग जाता है किसी भी चीज़ का आप टेंशन कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं ये सारी चीज़ें मूड स्विंग में आती है वेट गेन होना कॉन्स्टिपेशन होना इंसोमेनिया होना यानी रात रात भर नींद नहीं आना अक्सर आपने देखा होगा इनफर्टिलिटी महिलाएं जो होती है वो रात रात भर बस यही सोचती है कि मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा मैं आप कौन सा ट्रीटमेंट कराऊँ क्या कराऊँ इसकी वजह से उनको इंसोमेनिया का प्रॉब्लम होता है रात को नींद नहीं आती है तो ये भी सब हार्मोन इम्बेलेंस की वजह से होता है अगर आप इनमें से कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल सिम्टम्स देखते हैं अपनी बॉडी में तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए अपने चेकअप करवाइए सारे ब्लड टेस्ट करवाइए ए एम एच प्रोलेक्टिन थाइरॉयड एफ एस एच एल एच ये सारे हार्मोन्स के टेस्ट करने पे आपको ये पता चलेगा कि आपका हारमोन्स कौन सा बढ़ा हुआ है कौन से हारमोन आपके डिस्टर्ब है कहीं आपको थाइरॉयड का प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं आपका प्रोलैक्टिन बढ़ तो नहीं गया है कहीं आपको लो ए एम एच का प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं आपको पी सी ओडी या पी सी उसका प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि ये सारी कंडीशन जो है फ्रेंड आपको ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चलेगी ब्लड टेस्ट के थ्रू आपका टेस्ट होगा उससे ही पता चलेगा उसी से आप अपना ट्रीटमेंट करके नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं अगर आप शॉर्टकट मारेंगे ये सोचेंगे कि मैं आई करवा लूंगी आईवीएफ करवा लूंगी मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि जब तक आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब रहेंगे आईवीएफ भी आपको प्रेगनेंसी नहीं दे सकता इसलिए फ्रेंड अपने हार्मोन्स को बैलेंस करते हुए ही आप नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कीजिए फ्रेंड हम इसकी होम रेमेडी के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है तो आप उसको नेचुरली कैसे बैलेंस में करेंगे तो आप फ्रेंड सीट साइकिलिंग कर सकते हैं सीर साइकिलिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन को बढ़ाता है जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखने में हेल्प करता है इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी पी सी ओडी पी सी ओ एस पी एम एस के सिम्टम नहीं आपको नजर आएंगे बॉडी में ईस्ट्रोजन बढ़ेगा जो आपकी सेक्शुअल ड्राइव को बढ़ाएगा टेस्टोस्ट्रॉन हार्मोन को कम करेगा जिससे आपके अंदर अंडे भी बनेंगे प्रेगनेंसी भी आपको रुकेगी हेयर फॉल का प्रॉब्लम कम होगा फेशियल हेयर्स आपको कम आने शुरू होंगे तो सीड साइकिलिंग एक गुड ऑप्शन है अगर आपके हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है सीड साइकिलिंग आप क्या करेंगे आप पंद्रह दिन पहले के जो शुरू के पंद्रह दिन होते हैं उसमें आप फ्लैक्सीड और पम्किंग सीड का एक एक चम्मच पाउडर खा सकते हैं आप किसी भी रूप में खा सकते हैं पाउडर भी खा सकते हैं या फिर उस पाउडर को सब्जी में या रोटी में मिला के ले सकते हैं या सलाद में मिला के ले सकते हैं जो लास्ट के 15 डेज़ होते हैं इसमें आपको सनफ्लावर सीड और सेसेमे सीड के दो दो चम्मच आपको पाउडर यूज़ करने हैं सेम तरीका है आप किसी भी चीज़ में मिला के ले सकते हैं फ्रेंड जिन भी महिलाओं को थायराइड का प्रॉब्लम है वो सनफ्लावर सीड को अवॉइड करेंगे और जिन भी महिलाओं को बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हीट होती है वो सीड साइक्लिंग नहीं करेंगे क्योंकि इससे हीट प्रोड्यूस होती है आप वैसे यूज़ करके देख सकते हैं अगर आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है तो भी आप सीड साइक्लिंग का इस्तेमाल ना करें क्योंकि सीड साइक्लिंग हमारी बॉडी में ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस करती है तो अगर आपको ऑलरेडी हीट है बॉडी में तो ये आपको दिक्कत दे सकती है इसलिए आप देख ही टिप्स को फॉलो करिए तो आप हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए सीट साइकिलिंग का उपयोग कर सकते हैं सीट साइकिलिंग काफी ज्यादा लोगों ने यूज करते हुए प्रेगनेंसी भी कंसीव की है और अपनी प्रॉब्लम से भी निजात पाया है क्योंकि हर एक प्रॉब्लम के पीछे उसकी जड़ होती है हार्मोनल इम्बेलेंस तो उसको ठीक करने के लिए सीड साइकिलिंग आप इजीली यूज कर सकते हैं ये सारी सीड्स आपको लोकल मार्केट में और ऑनलाइन मिल जाएगी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी फ्लैग सीड पंपकिन सीड सनफ्लावर सीड और सस सीड का जहां से आप लोग इसको खरीद के इजिली यूज कर सकते हैं सीड्स होती है फ्रेंड ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए सीड साइकिलिंग के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उस वीडियो का आप पूरा देखिए उसमें मैंने पूरा लेने का तरीका बताया है तो आप उसको लेके फॉलो कर सकते हैं अब यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए भी सुविधाएं रख रही हूँ जिन भी महिलाओं को बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हीट होती है वो सीट साइकिलिंग नहीं कर सकती या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने सीट साइकिलिंग यूज़ की लेकिन आपको सूट नहीं हुआ तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे तो घबराने वाली कोई बात नहीं आप शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह में आप एक कप पानी ले लीजिए उसके अंदर एक छोटा चम्मच आप शतावरी पाउडर का मिक्स करके आप सुबह में एम्प्टी स्टमक इसको पी सकते हैं इससे भी आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं प्रेगनेंसी भी कंसीव होगी पीरियड भी नॉर्मल होंगे और जितने भी आपको सिम्टम दिख रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे तो शतावरी भी गुड ऑप्शन है जिनकी बॉडी में हीट होता है वो लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पाउडर नहीं मिल रहा है तो आप टैबलेट भी ले सकते हैं पतंजलि के काफ़ी ज़्यादा अच्छे टैबलेट्स आते हैं शतावरी के तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर पाउडर यूज़ कर रहे तो टैबलेट यूज़ करने की जरूरत नहीं है अगर टैबलेट यूज़ कर रहे तो पाउडर यूज़ करने की जरूरत नहीं है ठीक है एक चम्मच ही आपको पाउडर लेना है वन टीस्पून अगर टैबलेट ले रहे हैं तो एक ही टैबलेट लेने की आपको ज़रूरत है यह आप पीरियड के पहले दिन से लेके पीरियड के, के आखिरी दिन तक यानी पूरे महीने के तीस दिन तक आप ये टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं इससे बॉडी में हीट भी नहीं बढ़ेगी और हारमोन्स भी बैलेंस में आएंगे आई होप इस वीडियो के जरिए आप लोगों की काफ़ी ज्यादा हेल्प हुई होगी इस वीडियो के जरिए मैंने आपको बताया कि हार्मोन डिस्टर्ब होने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं आपको और इन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आप क्या होम रेमेडी फॉलो कर सकते हैं सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैंने कवर की है आई होप कि आपकी कोई डाउट नहीं होंगे इस वीडियो को आप लोग बार बार रिवाइंड करके देखते रहिए इस वीडियो में जितनी भी बातें बताइए उसको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए फ्रेंड आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना आई यू आई ना आई वी एफ आप अपने घर बैठे ही नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा फ्रेंड मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बता रही हूँ मैंने अपने जितने भी पेशेंट को ट्रीट किया उनके हार्मोन्स को ही मैं बैलेंस करती हूँ सबसे पहले तभी वो एक दो महीने में प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो ये नुस्खा जरूर अपना के देखें अपने लाइफ में आप भी बहुत जल्दी प्रेगनेंट होंगे और फ्रेंड आप लोग मेरा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इस एप्लीकेशन में फ्री डाइट शॉट ऑगुलेशन कैलकुलेटर मिलता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कंसीव करने के लिए फ़्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड इसको यूज़ करना आज ही अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड कर ले अगर फ्रेंड आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर इनफर्टिलिटी काफ़ी दिनों से आप ट्राई कर रहे तो नीचे मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है इस पर आपको सिर्फ इतना भेजना है आई वॉन्ट कंसल्टेशन आपको मैसेज डालना है आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड कर देगी फ्रेंड तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनदर न्यू टॉपिक और न्यू वीडियो के साथ जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़